गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मेरा ये वीडियो जो है वो सिर्फ आपके लिए है, जिसमें मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि कल जो आपका एग्ज़ाम है और जो OMR सीट फिल करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स आप ना करें। आप कूल माइंड से अपना OMR सीट यानी जो आंसर बुक मिलती है उसका पहला पेज जो फिल करना होता है उसको प्रॉपर फिल कर सकें, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी होगी वो आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो पे देने वाला हूँ, जिससे आप प्रॉब्लम फील ही ना करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप जिन भी स्टूडेंट्स जो भी 10th क्लास में हैं, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका जो पेपर है कल का, जो पहले दिन वो बोर्ड में बैठेंगे तो बहुत कुछ वो सीखेंगे, जिससे उनकी गलती बहुत मिनिमम हो जाएगी, गलती करेंगे ही नहीं। और ये 12th के लिए भी बेनिफिशियल होगा कि वो OMR सीट को एक बार देख चुके हैं, क्योंकि पहला पेपर दे चुके हैं, और आगे जो पेपर्स हैं उनमें वो प्रॉपर सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास ये एक सीट है, ये आपका एक जो नोटबुक होती है उसकी स्पेसिमेन कॉपी है। तो इसको जब आपको 10 o'clock पे बेल लगेगी, यानी आप रूम में बैठ जाएंगे और 10 o'clock पे एक बेल होगी, 10 o'clock पे जो आपका इनविजिलेटर होगा यानी जो ड्यूटी कर रहा होगा टीचर, वो आपको नोटबुक्स देंगे। आप जब नोटबुक्स देंगे तो वो आपसे लिखने के लिए कहेंगे जो आपकी बेसिक डिटेल्स है इस पे। तो आप इसको कैसे फिल करेंगे वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, सबसे ऊपर यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख देंगे अपना, जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है, वो सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे। उसका कोड भी एडमिट कार्ड पे होगा, उस सब्जेक्ट का कोड लिख देंगे यहाँ पर। परीक्षा का दिन, क्या दिन और क्या डेट है, यानी क्या डेट और डे है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे लिखा है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, यानी किस लैंग्वेज में आप आंसर देंगे। तो सिंपल सी बात है, आप इंग्लिश में ही देंगे तो आप इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पर। आप जब हिंदी का पेपर देंगे तब यहाँ हिंदी लिखेंगे। समझ में आ गया होगा, आंसर ऑफ मीडियम इंग्लिश ही होगा। जब आप इंग्लिश का पेपर देंगे, सॉरी हिंदी का पेपर देंगे, तो आप यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। ये जो ऊपर लिखा है कोड नंबर, ये जो बॉक्स है इसको आप अभी छोड़ देंगे, और ये सेट नंबर भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन पेपर पर कोड नंबर लिखा होता है वो यहाँ पर फिल होता है। को अभी जब आप 10 o'clock पे ये कॉपी मिलेगी आपको आपके एग्ज़ाम रूम में, तो ये रो जो है आप छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे। आप ऊपर से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, डेट एंड डे, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, ये फिल कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे लिखा है नेम, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक। अगर आप बी कॉपी लेते हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3 जो भी कॉपी ली है वो मेंशन करते हैं। तो क्योंकि 32 पेज की नोटबुक होगी, तो इसमें लास्ट में ये पता चलेगा कि आपको वही नोटबुक चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, शुरू में कुछ नहीं फिल करेंगे। अगर कोई विकलांग व्यक्ति होता है यानी डिसेबल होता है, डिसेबिलिटी होती है, तो वो यहाँ पर यस करता है, अदरवाइज नो कर देंगे आप। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, यानी वो इनके लिए, वो उस व्यक्ति के लिए है जो डिसेबल होता है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, या कहीं भी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये बताएगा, मतलब बताना पड़ेगा कि मैं विकलांग हूँ, अदरवाइज आप इसको नहीं करेंगे। जो विकलांग व्यक्ति होता है यानी जिसके अंदर डिसेबिलिटी होती है, उसका एक कोड होता है जो क्वेश्चन पेपर पर दिया गया होता है। तो अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो यहाँ पर यस लिखेगा, और उसका वो कोड यानी ABCD नाम से कोड होता है वो भी यहाँ पे फिल करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा है नहीं, यानी अगर कोई ऐसा नहीं है तो यहाँ पर वो विकलांग में नो करेगा और यहाँ पर डैश कर देगा, कुछ नहीं लिखेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जिसको राइटर प्रोवाइड कराया गया है, लिखा है क्या वेदर राइटर प्रोवाइडेड, क्या राइटर प्रोवाइड कराया गया है, तो अगर कोई प्रोवाइड कराया जाएगा तो यस लिखा जाता है। ये उस केस में होता है जैसे किसी का हाथ टूट गया, तो वो हाथ से नहीं लिख सकता, तो उस केस में कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं, वो फॉर्मेलिटी करने के बाद उसको एक असिस्टेंट दिया जाता है जो उसके साथ बैठ के लिखेगा। ये प्रक्रिया थोड़ा लार्ज होती है, इसके बारे में जिसके साथ ऐसा होता है वो पहले स्कूल से कॉन्टैक्ट करता है, उसके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो करानी पड़ती हैं, उसके बाद ही ऐसा होता है, जनरल ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई ऐसा है उसको राइटर प्रोवाइड कराया गया है तो यस लिखेगा, अदरवाइज आप उसे यहाँ पर नो लिखेंगे। और यहाँ सबसे लास्ट कॉलम है, यदि आप दृष्टिहीन हैं, मींस आप
विजुअली चैलेंज्ड है, आपको देखने में प्रॉब्लम है, अगर आप के पास ऐसी कोई डिसेबिलिटी है कि देखने से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराया जाता है। वो ऐसे केस में ही होता है सिर्फ, तो आपका ऐसा कोई केस नहीं होगा तो आप यहाँ भी डैश कर देंगे, यानी राइटर प्रोवाइड है तब तो यस होगा, नहीं तो यहाँ नो होगा। और यहाँ पर क्योंकि ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डैश कर देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको ऊपर आना है फिर से, यानी इसके दो पार्ट हैं, एक तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट आप ऊपर आएंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लिखा है कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, तो आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे किसी का नाम मान लीजिए मोहन है, तो पहले बॉक्स में वो एम लिखेगा, दूसरे में ओ लिखेगा, तीसरे में एच लिखेगा, फिर ए लिखेगा, फिर एन लिखेगा, मोहन हो गया। मान लीजिए उसके आगे कुमार भी लिखना है तो एक सेल ब्लैंक छोड़ देगा, उसके बाद फिर के, फिर यू, फिर एम, फिर ए, फिर आर, यानी हर सेल वो यूज करेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी आपका नाम अगर ममता देवी है तो आप एम ए एम टी ए हर सेल में लिखेंगे, यानी फाइव सेल यूज करेंगे, उसके बाद एक सेल ब्लैंक छोड़ेंगे और देवी अगले सेल में डी ई वी आई फोर सेल यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। बीच में एक सेल ब्लैंक होगा नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में। जैसे मान लीजिए नाम, मेरा नाम ब्रजभूषण शुक्ला है, तो मैं ब्रज लिखूंगा, फिर एक ब्लैंक छोड़ूंगा, फिर भूषण लिखूंगा, फिर एक ब्लैंक छोड़ूंगा, फिर शुक्ला लिखूंगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए किसी का नाम मोहन है तो यहाँ पे एम लिखा होगा, तो एम के नीचे यानी इस लाइन में आप देखेंगे इस कॉलम में ए बी सी डी से लेके जेड तक लिखा गया है, एक लाइन में जेड तक लिखा है ऐसे वर्टिकल में देखेंगे। तो अगर आपने पहले सेल में एम लिखा है तो ए बी सी डी से लेके जेड तक की जो वैल्यू दी गई, यानी जो बॉक्स दिए गए हैं, उनमें एम को आप सर्किल कर देंगे, एम को फिल कर देंगे। आपको ब्लू पेन ही यूज करना है, ब्लू डॉट पेन यूज करिएगा, और यहाँ पर जो नेम है ये कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, क्योंकि लिखा है कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे मोहन लिखा था, एम यहाँ पे लिखा है पहले सेल में, तो एम को आप सर्किल कर देंगे। अगले सेल में जाएंगे तो ओ लिखा होगा, तो सेकेंड लाइन में जो ए से जेड वैल्यू है इसमें आप ओ को सर्किल कर देंगे। अब मान लीजिए थर्ड सेल में हमने एच लिखा है, तो थर्ड लाइन के एच को सर्किल कर देंगे, जहां भी एच होगा आप उसको सर्किल कर देंगे यहां पे। फिर मान लीजिए ए है तो यहां पर ए को सर्किल कर देंगे। फिर फिफ्थ सेल में एन है तो आप एन को सर्किल कर देंगे। इस तरह से जो ब्लैंक सेल है, उस ब्लैंक सेल के नीचे जो लाइन यूज हुई है उस लाइन को आप यूज नहीं करेंगे। फिर ब्लैंक सेल के बाद अगर आपने मान लो सपोज दैट कुमार में के लिखा है, इस सेल में के लिखा है यहाँ पर, तो आप इस लाइन का के फिल करेंगे, ऐसे ब्लैंक जो सॉरी ब्लैंक कह रहे हैं के को आप ब्लू से फिल कर देंगे। और फिर ऐसे ही आगे जो भी अल्फाबेट होंगे उस लाइन के उस अल्फाबेट को आप फिल कर देंगे, यानी फिलअप, आपको ये वो पर्टिकुलर सर्किल को फिलअप करना है ब्लू डॉट पेन से। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे रोल नंबर लिखा जाएगा, रोल नंबर मान लीजिए 1 है, 7 है, 2 है, 1 है, फिर 1738 है, ऐसे कुछ है, तो हर सेल में आप यूज करेंगे। सपोज दैट पहले सेल में आपने 1 लिखा है तो पहले लाइन का 1 को आप सर्किल कर देंगे, यानी आप उसको डार्क कर देंगे। फिर आपने सपोज दैट 7 लिखा है तो सेकेंड लाइन में 7 को आप डार्क कर देंगे। ऐसे ही जो नंबर आपने ऊपर लिखा है उस लाइन का वो नंबर आप फिलअप कर देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सब्जेक्ट कोड यहाँ दोबारा लिखेंगे, जो सब्जेक्ट कोड आपने यहाँ लिखा था सब्जेक्ट कोड, वही सब्जेक्ट कोड यहाँ भी लिखा जाएगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे 083 लिखा, इमेजिन, तो पहले सेल में 0 है तो इस लाइन का 0 आप डार्क करेंगे। फिर मान लीजिए 8 है सेकेंड में तो आप 8 को डार्क करेंगे। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट कोड जो होगा वो यहाँ पे फिलअप होगा और उस लाइन का वो नंबर आप डार्क करेंगे यानी फिल करेंगे। ऐसे ही सेंटर नंबर होता है, आप जहाँ गए जाएंगे, जहाँ पे आपका सेंटर, जिस स्कूल में जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका सेंटर नंबर होता है, आपके एडमिट कार्ड पर सेंटर नंबर लिखा होगा, वो सेंटर नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे एक एक सेल में, और उस पहले सेल में जो नंबर होगा उस लाइन का वो नंबर आप
डार्क कर देंगे, यानी फिल कर देंगे। सेम जो ऊपर किया सेम वही फॉर्मेलिटी यहाँ पे भी होगी, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट पूछ रहा है, फिर से सब्जेक्ट लिखेंगे। कैपिटल लेटर सिर्फ ऊपर ही लिखना है और सब जगह पर आप अपनी इच्छा से सब कैप्स और स्मॉल में लिख सकते हैं। यहाँ फिर से सब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड दिया गया है, आपका स्कूल नंबर यानी जहाँ पे आपका एडमिशन है, सपोज दैट आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं लिटिल फ्लावर में, तो लिटिल फ्लावर का स्कूल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, यानी लिटिल फ्लावर का स्कूल नंबर है 60514, तो आप यहाँ पे 60514 कर देंगे, यानी आप अपने स्कूल नंबर को लिखेंगे जो कि एडमिट कार्ड पर लिखा होता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी स्कूल नंबर वो होता है जहाँ पे आपका एडमिशन रहता है, और सेंटर नंबर वो होता है जहाँ पे आप एग्जाम देने जाते हैं, तो यहाँ पे वो स्कूल नंबर फिलअप कर देंगे। फिर यहाँ पर रोल नंबर इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखा है ये भी आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा। सपोज दैट आपका रोल नंबर है 2,17,00,000, तो करोड़ से पहले आप 2 लिख देंगे TWO, लाख से पहले आप 17 लिख देंगे वर्ड में, फिर 1000 लिख देंगे, कितने 1000 आ रहा था, 21,000 है तो 21 लिखेंगे, 1000 लिखा ही है। इसके आगे आप जो लाइन ब्लैंक है यहाँ पर, इसमें आप जो भी और आगे वैल्यू है 1000 के बाद 100, मान लीजिए 121, तो यहाँ पे 121 लिख देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और ये जो रोल नंबर इन वर्ड्स है ये एडमिट कार्ड पर लिखा होता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर लिखा है फादर नेम या गार्जियन नेम, तो जो भी आपका गार्जियन या फादर नेम है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर आपके यहाँ साइन है, लिखा है कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे, जो साइन आप बोर्ड में करते हैं यानी जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम किया होगा वो साइन आप यहाँ पे करेंगे, यानी फुल सिग्नेचर करेंगे आप। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, यहाँ नीचे सॉरी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होता है सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, तो ये साइन होते हैं उस ड्यूटी टीचर के जो आपके क्लासरूम में ड्यूटी करता है, वो आपके जब इस नोटबुक को देखेगा सब सारी एंट्री सही आपने फिल की होगी तो यहाँ पे साइन करेंगे बाद में वो, तो वो ये साइन उनके लिए है, गलती से भी आप यहाँ साइन नहीं करेंगे, आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में साइन करेंगे यहाँ पर बस। और यहाँ वो उस ऑफिसर के साइन होते हैं जो इस पर्टिकुलर एग्जाम का सेंटर सुपरिटेंडेंट होता है, CS होता है, तो आपसे इससे भी मतलब नहीं है। तो ये जानकारी आपको शायद समझ में आ गई होगी कि जब आप को कॉपी मिलेगी तो कॉपी पे एंट्री कैसे करनी है। इस कॉपी पर एक सीरियल नंबर होता है, यहाँ लिखा है देखिए क्रम संख्या सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखा होगा NDB करके आगे नंबर लिखा होगा, ये सीरियल नंबर होता है, ठीक। ये सीरियल नंबर कहाँ यूज होगा, ये सीरियल नंबर आपके अटेंडेंस में यूज होगा, ये आपकी अटेंडेंस होती है। अभी आपने नहीं देखा इसको, ये आपको जब क्लासरूम में आप जाएंगे तो अटेंडेंस सीट एक वो साइन कराएंगे आपसे। तो जो पहला पेपर होगा वो पहली रो में होगा, डेट लिखी होगी उसका, यहाँ पर डिटेल होगी और यहाँ पर उसका सब्जेक्ट लिखा होगा, यानी आई होप ये सेट नंबर होगा और यहाँ पर सब्जेक्ट, हाँ ये सब्जेक्ट कोड है और ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सेट, अब यहाँ पर आपको अभी इससे जोड़ रहे हैं जो हमने आपको बताया था, ये जो हमने बताया था कोड नंबर, अब आप फिल नहीं कर रहे हैं, तो आप जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको 10-15 पे, तो आप देखेंगे सबसे ऊपर कुछ एग्जांपल ऐसे मैं दे रहा हूँ, जैसे 2/1/1, दूसरे की कॉपी में होगा 2/1/2, तीसरे कॉपी में होगा 2/1/3, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 2/1 भी हो सकता है, 56/1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट वाला जो यानी थ्री पार्ट में होता है नंबर, ये लास्ट वाला 1, 2, 3, 1, 2, 3 ही होता है, यानी टोटल सेट 3 आते हैं। तो आपका अगर सेट सपोज दैट 2/1/1 है, तो आप यहाँ कोड नंबर में लिखेंगे 2/1/1, कहाँ मिलेगा ये, क्वेश्चन पेपर पे मिलेगा, क्वेश्चन पेपर पे सबसे पहले पेज पर लिखा होता है। अगर आपका सेट नंबर 1 है, अब ये कैसे जानेंगे सेट नंबर क्या है, जैसे मैंने कहा 2/1/1, तो इसमें थर्ड पार्ट जो है वही सेट नंबर है, यानी पहला सेट नंबर आपका है, तो आप इस 1 को सर्किल कर देंगे तो आपका सेट नंबर होगा 1। ये काम आपको करना जब क्वेश्चन पेपर मिल जाए। अब आपका क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 है, तो जब आप अटेंडेंस आएगी तो इसमें भी यहां पर 1 लिख देंगे।
और जो सीरियल नंबर होता है नोटबुक का, यहाँ लिखा होता है सीरियल नंबर यहाँ पर, यहाँ से देख के आप अटेंडेंस में इस ए बुक में, यहाँ लिखा है ए बुक, माउस पॉइंटर जहाँ पे है ए बुक, मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा पिक्सल्स फट जाएंगे, यहाँ लिखा है ए बुक, इस ए बुक में वो सीरियल नंबर आप लिख देंगे, किसका, नोटबुक का, कहाँ पे होगा, इस कॉपी पे सीरियल नंबर होगा, यहाँ पर ये सीरियल नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे ए बुक में, और यहाँ पे आप साइन कर देंगे, ये साइन आप यहाँ से यहाँ तक पूरा आपके लिए है, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे साइन वो ड्यूटी टीचर करेगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, इतना ही आपको करना है। अगले दिन जब पेपर आपका होगा तो आपको दूसरी रो में साइन कराएंगे यहाँ पे, अगले पेपर में तीसरे में कराएंगे, तो इस तरह से आपके सारे पेपर्स होंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, अगर तब भी कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा जैसा भी हो। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए इसलिए है कि आप जब पहले दिन पेपर देंगे तो आपको ये सब नया नया होगा तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। उसके बाद भी अगर आपको लगे एग्ज़ाम हॉल में कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने ड्यूटी टीचर, जो भी टीचर हैं, उनसे पूछ सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। गलती से भी आप अपने आप मत करिएगा कुछ भी, जो नहीं आता है पूछ लीजिएगा, वैसे जितना मैंने बताया है आप अगर समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।